नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सफीदो मंडल के अधिकारी SDM वीरेंद्र सांगवान जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। सेवानिवृत्त होते ही आपने JJP के साथ कारवां जोड़ दिया, अब आप JJP के साथ प्रचार में निकले हैं। दिग्विजय जी के जहां भी सभाएं हो रही हैं, आप पूरा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो राजनीतिक जो स्पीच मैंने सुनी थी, भाषण जो सुना था 1987 में चौधरी देवलाल का गोहाना में सुना था, और उन्हीं से मैं प्रभावित होकर मैंने जो JJP को ज्वाइन किया है। उसकी जो नीतियाँ थी, जो देवलाल कहते जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो जब पूरा हरियाणा का विकास नहीं होगा। हमारा असली हरियाणा जो है वो गांव में बसता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे बच्चों के रोज़गार की बात करें, जब तक इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाएगा जब तक विकास संभव नहीं है। JJP के साथ इनकी जो नीतियाँ हैं, ये जगत ताऊ चौधरी देवलाल की जो नीतियाँ थी उन्हीं पर ये दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय चौटाला जी, दिग्विजय जी, उन्हीं नीतियों पर जो काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इनके साथ लगाव है मेरा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा लगाव इनसे है तो मैं इसलिए इनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये खैर मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। अजय जी मेरे अजीज हैं, सम्मानित हैं, दुष्यंत भी हैं, दिग्विजय भी, सभी का मान सम्मान है। आप जब से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए हैं, तब से राजनीतिक खलबलियां मच गई हैं। जो पहले धुरंधर थे, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं धुरंधर सांगवान एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर। नहीं, मेरा इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके TV के माध्यम से कि मेरा इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। मेरे अंदर एक जनभावना सेवा की भावना है, मैं उसी जनभावना से सेवा कर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ना तो मैं कोई पच्चा था, ना मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा। समाज सेवा के लिए भी आप लगे रहते हैं, तो क्या जरूरत है राजनीति में आगे सेवा करने की? वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये एक अच्छा जरिया है, वो भी एक अच्छा जरिया है, चाहे गौशाला की सेवा, गौओं की सेवा है, चाहे दूसरी तरीके से है, चाहे कैंप लगा के है, परंतु जो इस तरह की जो सेवा है, जो राजनीति में आने के बाद जो सेवा है, लोगों से जो मिलजुल के काम होते हैं, इसमें एक अलग तरह का अपना, दोनों बातें हैं, सेवा भी है और अपना रिक्रिएशन, अपना मनोरंजन भी होता है। बहुत बढ़िया। क्या संदेश आप कंचन टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे हल्के की जनता को? मैं स्पीडो हल्के की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी का जो चप्पल का निशान है, आने वाली 12 मई को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वोट करें और दिग्विजय चौटाला को भारी मतों से जिताना करें। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू जी। तो ये थे वीरेंद्र सांगवान जी, जो बड़ी ही सरलता से बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं कि वो राजनीति में नहीं आने वाले हैं और ना राजनीति वो करना चाहते, वो समाज सेवा के लिए आए हैं। SDM रहते हैं, उन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए थे और वही कार्य ये बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं। तो बने रहिएगा, हम किसी न किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपको मिलाते रहेंगे। कंचन TV के लिए मैं यशपाल कंचन।